आप मंडी आए हैं, ये देखो एवोकैडो, एवोकैडो यदि डिप बहुत स्वाद बनती है, तो ये पहचान यदि यही है कि ये थोड़ा जहा हल्का दबा के देखोगे ना तो पता लग जाता कि ये पक्के है कि कच्चे है। तो कई बार कच्चे होंगे हैं, आप ध्यान ना लेना। तो यदि डिप इनू कट के बिचों दी सीड निकलता, सीड निकल के उसके जो गुद्दा निकलता उन्होंने आप टमाटर अपना टमाटर हो गया, नींबू हो गया, वो पा के डिप बना सकते हैं। आप अगली गल करते हैं, ये हैगी है साडा एक केल, एक केल के पत्ते हैं, ये केल के पत्ते हैं, ये बिल्कुल सप दी त्वचा वांगू होंगे हैं, फुल ऑफ मिनरल्स ते विटामिन काफ़ी होंगे, विटामिन के बहुत पाया जाता है, विटामिन के काफ़ी पाया जाता है, कैल्शियम काफ़ी कुछ है ये। तो आएगी है पार्सले, जी पार्सले है ना जिन्होंने पैरों के स्वेलिंग होंगी है, पैरों में उड़ीमा है ना, ये उड़ीमा जिन्होंने पैरों स्वेलिंग होंगी है, और पोटाशियम मैगनीशियम मैंगनीज कॉपर का बड़ा अच्छा सोर्स है, इनू असी डेकोरेशन भी कर सकते हैं, मैं वीडियो बना चुके हैं तुम देख सकते हो। अजकल सीजनल फ्रूट हैगा, तो मैं खड़ा इतने आम साहब के गुरुद्वारे सामने वाली मंडी के बीच, आप बैठा बंदा खड़ा ये बेचता पाया बंदा, क्या नाम भैया आपका? बिपिन है ना, तो आम साहब के सामने ही है तुम आके ले सकते हो इस तो। आप आ जाइए इतने आ जी इनू गाजर कह दें, कांजी कांजी है ना, यदि कांजी पुराने जमाने आप मटके च पा के काली मिर्च पा के इनू रोट करके बड़ी डाइजेस्टिव है, हाजमे वास्ते बहुत सोहनी है, गैस बहुत अच्छी तरीके कड़ती है, तो हाजमे लिए बड़ी सोहनी हैगी है। तो बाकी ये लट्टी स्लीव्स ने तो ये फाइबर सोर्स बहुत अच्छा है, फाइबर वो नहीं सैलरी नहीं है, सैलरी हाँ सैलरी ले आया इसको बार की मैं मैं आता हूँ हो जाता सैलरी भी हैगी है भाई को ते सैलरी का जूस एक दिखाना स्टॉक्स विच मोटी वाली दिखाना, हाँ असी यदि स्टॉक देखनी है, तो स्टॉक जड़ी हैगी है यदा बड़ा अच्छा, यदा आप जूस कर सकते हैं, तो बिल्कुल फ्रेश है इस टाइम लगता है, इन्हें हमने 12-13 घंटा पहले कट्टी है, आप देख लो यदि स्टॉक की कीमत है, मेन एक स्टॉक है ये पीस कट के, तो इन असी कच्ची भी खा सकते हैं, तोड़ के कट के इतों की ये आप उतों की ला के ना ये छिलड़ जाए उत्ते, तो बड़ी स्वाद होंगी है, तो वेरी गुड है, एंटी ऑक्सीडेंट हैगी है, तो अजकल सीजनल फ्रूट है जो मूँह छाइया छूइया पैदियाँ, तो वह भी इनू अच्छे तरीके नाल खा सकता है, ठीक है जी। बाकी ये फुल ने उदे, किसके फूल हैं भैया जी किसके फूल हैं ये, अरे बिजी है बंदा, तो कचनार के फुल लगते हैं मैनू, ये कचनार के फुल हैं शायद, ओ सर मैं तो बढ़िया सेब लेके आया हूं, 180 कचनार के फुल हैं, फिर कंफर्म कर लेने हैं, कचनार क्या नाम है सुमन, कचनार है ना ये देख, तो आप कंफर्म कर लेने हैं, कचनार ही लगते हैं मैनू भैया, कचनार है ना ये, तो ये कचनार हैगा, तो ये सब्जी भी बिल्कुल इस तरह फुल ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट्स है, तो ये बिल्कुल मीट वांगू बड़ी तरीके बन जाती है, स्वाद बहुत बनती है, तो ये सीजनल फूड ने कचनार जोड़ा है ये थायराइड वास्ते बहुत सोहना है, ये थायराइड वास्ते बहुत सोहना है, तो ये भी अजकल सीजनल हैगा, ये भी बहुत अच्छी चीज़ हैगी है। आ बेबी टमाटर ठीक है जी, टमाटर ये भी खा सकते हैं आप, ये भी स्वीप बहुत अच्छी हैगी है, तो ये भी ले सकते हैं। ये लोग कौन किस काम लेके ले जाते हैं आपको? सब्जी बनता है। हाँ किस काम आती है आपको? सब्जी बनता है। किस काम आती है पता है आपको? कुछ नहीं पता। ये थायराइड काम आती है, थायराइड के काम आती है। कचनार की कली हूँ मैं ना, मुझसे ना छेड़ो बाबू जी गाना सी ना एक, तो कचनार की कलियाँ ने तोड़ लिया, तो ये सब्जी बहुत ही स्वाद बनती है, तो थायराइड जिन्होंने मतलब कि हैगा मोटे होने वाला वो वास्ते बहुत सोहनी चीज़ें हैगी है। तो बाकी मेरा ख्याल काफ़ी हो गया, ब्रोकली ब्रोकली तुम देख ली, ये एंटी ऑक्सीडेंट्स है, ये लाल ते पीली बेल पाइपर, तो आज की वीडियो बंद करिए, आपका काफ़ी हो गया, सब्जियाँ काफ़ी अच्छिया ने, क्या कैसे ले सकते हो। ओके जी, चंडीगढ़ तो डॉक्टर सलोक सिंह वालों, सत श्री अकाल।